ये ट्रिप की दूसरी वीडियो है। आपने पहली वीडियो भी शायद देखी होगी, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं देखी है तो नीचे लिंक पे आई बटन पे आपको मिल जाएगी वीडियो। उसमें मैं दिल्ली से बिहार आया था। इस वीडियो में हम बिहार से दिल्ली जा रहे हैं। सारे पैसेंजर सेम है, मैं भी सेम हूँ चलाने वाला। एंड आपको एक आइडिया मैं दे दूँगा कि रफली आपके कितने पैसे लगेंगे और गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा है। एक प्रॉपर रिव्यू आपको अलग वीडियो में मिल जाएगा, वो भी मैं जब डालूंगा तो आई बटन पे नीचे लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें सिर्फ ट्रिप की बात करेंगे और लास्ट में मैं आपको ये बता दूंगा कि जो पेट्रोल के पैसे हैं और टोल टैक्स के जो भी पैसे हैं वो टोटल कितने लगे, जो प्राइस है वो कितना आया, कॉस्ट कितना आया ट्रिप का। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप इस गाड़ी से 1000 किलोमीटर की ट्रिप कर रहे हो एक तरफ से, तो आपके कितने पैसे खर्च होने वाले हैं। वेल, इसमें मैं आपको दोनों तरफ से बता दूंगा और वहाँ पर लोकल भी मैंने जो भी चलाई है गाड़ी उसकी भी बात कर लेंगे। हालाँकि उसका वीडियो मैंने बनाया नहीं है क्योंकि मोस्टली मैं फैमिली के साथ था और फैमिली के साथ वीडियो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। तो जी, हम दिल्ली के लिए निकल गए हैं। एक बार ट्रिप रीसेट कर लेते हैं। अभी मैं अपने मम्मी के घर से, नानी के यहाँ से आ गया हूँ। 5 किलोमीटर आ गया, अब याद आया मेरे को। तो ट्रिप डिटेल्स अगर देखें, ये आ गया ड्राइव कंप्यूटर ए एंड बी। तो ज़्यादा किस्में हैं, 1408 है और 1426 है। ए को छोड़ के बी को रीसेट कर देते हैं और फिर दिल्ली जाके देखेंगे कि कितना किलोमीटर चला और क्या फ्यूल वगैरह इसने फ्यूल एफिशिएंसी दी है। रीसेट करने के लिए ये बटन है, इसको प्रेस करके रखेंगे, इसको कर देंगे रीसेट। अब ये 0-0 हो गया है। ओडोमीटर 14,457 है, रेंज 410 दिखा रहा है। अब यूपी में ही फ्यूलिंग करवाएंगे। अब चलते हैं, लोगों को पहले स्टेशन छोड़ूंगा, उसके बाद व्लॉगिंग करूँगा। मम्मी और रूही ट्रेन से जाएंगे। चलिए, ये सासाराम की गलियों में देखो कैसे जाम में फंस गए हैं। पीछे भी गाड़ी है, ये भाई साहब आ गए हैं पता नहीं जेसीबी लेकर। अपनी गाड़ी फंसी है आगे, इसने लगा रखी है, जगह नहीं है निकलने के लिए। तो जी, अभी सासाराम से निकल रहे हैं मम्मी और बहन को स्टेशन छोड़ते हुए। ये कोई गोल चक्कर है यहाँ का रेलवे स्टेशन के पास। बड़ा गंदा ट्रैफिक है यार इधर भी सिटी में, और यहाँ के थोड़े से ड्राइवर भी हैवी हैं। अब देखो ये रिक्शे वाले एकदम चिपका के निकाल रहे हैं। अब टच हो गई हल्की सी तो किससे लड़ोगे। इधर देखो ये टियागो वाला आ गया। अब ये सब गलत आ रहे हैं, इनको उधर से आना चाहिए था, कोई तौर तरीका नहीं है। अब जबकि पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे, ये कोई वहाँ पे जो यहाँ के लोकल होंगे उन्हें पता होगा वहाँ है कोई किला सा लग रहा है, बहुत पुराना। अब अकेला मैं गाड़ी चलाने वाला, वीडियो इसलिए ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ध्यान, फिर अभी गोप्रो लगाऊंगा थोड़ा आगे चल के, क्योंकि आपको रिव्यू वगैरह भी तो देना है गाड़ी का। ट्रिप जो मैंने लास्ट टाइम रीसेट करी थी वो आप देख सकते हो कितनी चला दी है उसके बाद, 19 किलोमीटर। अब यहाँ से घर गूगल मैप पे दिखा रहा है 900 कुछ, अभी देखते हैं क्या दिखा रहा है। एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो जाता है इसमें, तो देख सकते हो आप कि 905 किलोमीटर दिखा रहा है अभी दिल्ली बजरपुर, और 19 किलोमीटर आ गए हैं जब लास्ट टाइम मैंने ट्रिप भी रीसेट करी थी। टाइम हो रहा है 12:17 दोपहर के, और देखते हैं कितने घंटे लगते हैं। ये तो 16 घंटे बता रहे हैं, तो होपफुली लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे तक दिल्ली पहुंच जाने चाहिए हम। अभी यही ओल्ड जीटी रोड है, यही आगे जाके मेन जो नया जीटी रोड है उसमें मिल जाएगा, तो फिर स्पीड होगी। अभी तो यहाँ पर धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, थोड़े से ड्राइवर यहाँ के हैवी हैं तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, कोई भी कहीं से भी आ जा रहा है। पीछे आपने देखा था कि गूगल मैप सासाराम की गलियों में घुसा दिया था, वहाँ जाम लग गया था, जीसीबी वाला आ गया था। जब बिहार से यूपी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भभुआ क्रॉस करने के बाद कोई टोल पड़ता है मोहनिया, यहाँ देखिए मोहनिया कोई टोल है। निशान मैगनाइट अच्छा परफॉर्म करते हुए, लोकल में मैं चला रहा था तो 10-8-10 ऐसे माइलेज दे रही थी। अभी हाईवे पे आया हूँ तो 14-15 तक दिखा रहा है MIT पे। वॉशरूम ब्रेक लिया है बस 5-10 मिनट के लिए और बस फिर चल रहे हैं। बाकी टाइम अभी 1:20 हो रहा है। कोशिश ये है कि दिल्ली हम पहुँच जाएंगे 3-4 बजे तक, सब कुछ अच्छा रहा तो होपफुली। बाकी देखिए आगे जो भी होता है अपडेट दूँगा। केला खाते हुए चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ खाएंगे नहीं क्योंकि दिक्कत हो जाती है खाना वाना खाने। केला खाना ज़रूरी है, एनर्जी मिलती रहती है। ट्रक ही ट्रक है, देख रहे हो ट्रक ही ट्रक, एवरीवेयर आई गो आई सी ट्रक। ये भाई राइडर जा रहे हैं अपने, बस बंगाल का नंबर है, लद्दाख या दिल्ली जा रहे होंगे। तो
देखो मैं 50-55 चला रहा हूँ तो 19.6 माइलेज दिखा रहे हैं, बट इस स्पीड से चलूँगा तो 3 दिन में पहुँचूँगा। देखो 19.9 हो गया, 20 हो गया, ये घटता बढ़ता रह रहा है, ये रियल दिखा रहा है, रियल वर्ल्ड। एक्सेल थ्रॉटल पे वो है, जैसे जैसे थ्रॉटल दे रहा हूँ उस पर डिपेंड कर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखो 20.8 भी हो गया, अभी मैं पंजा दबाऊंगा ये कम हो जाएगा, देखो कम हो रहा है ना, 20.1 हो गया। पापा पीछे जा रहे हैं, थोड़ा सो लेंगे, बहन आगे आ रही है। यहाँ आइसर का डीलर है, कंपनी ऑपरेटेड, जो रॉयल इनफील्ड ओन करते हैं वही वाले आइसर हैं। और ये है जीटी रोड, सीधा इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, ऐसे होते हुए दिल्ली निकल जाएंगे हम। अब धीरे धीरे बैक पेन हो रहा है, बट कोई बात नहीं, 2-4-5 मिनट खड़े होते होते निकल जाएंगे। तो जी गंगा नदी अप्रोच कर रहे हैं हम, ये जो आप ऊपर पुल देख रहे हो जो चढ़ रहा है, ये गंगा नदी के लिए ही है। इसका मतलब हम बनारस से बाहर निकल रहे हैं, अभी देखते हैं ऊपर कहीं व्यू पॉइंट होगा तो देखेंगे। अभी तक आ गए 126 किलोमीटर, रोड अच्छे हो गए हैं एकदम, बेहतरीन क्रूज कंट्रोल लगा रखा है मैंने, 111-112 पे क्रूज हो रही है गाड़ी, और 6 लेन एक्सप्रेसवे हाईवे है, जीटी रोड है, इस पर चल रहे हैं। थोड़ा सा बोरिंग भी है ये, अब पीछे तो कंस्ट्रक्शन था, ट्रैफिक था, अब ऐसे बैठे बैठे थोड़ी सी नींद भी आ रही है, देखते हैं कि कहीं कुछ खाने पीने के लिए रुकेंगे। तो जी नींद आ रही थी तो बनारस के आगे जीटी रोड के किनारे ऐसे गाड़ी रोक कर, तो देखो व्यू दिख रहा होगा, मैं भी थोड़ा सा आधे घंटे का पावर नैप ले लेता हूँ फिर कंटिन्यूसली चला लूँगा। तो जी 1-1.5 घंटे की नींद मिल गई है और अभी सही लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है आप गाड़ी चला सकते हैं। ऑफ रोडिंग ये है कि लगभग नहीं रही है ज़्यादा, कहीं 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इसमें, तो कहीं टच हो नहीं हो रही, अनलेस एंड टिल बहुत ही एकदम ख़त्म टाइप का गड्ढा है या उठा हुआ ब्रेक करना हो। तो जी कुछ पीने वीने रुक गए हैं इधर, भैया की दुकान तक गई थी, स्टिंग है, चाय है, थम्सअप है, थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, अब तो रात भर गाड़ी चलानी है, सो ली है तो और एनर्जेटिक फील हो रहा है, तो रात भर में दिल्ली खींचनी है को पी लेते हैं अब। हालांकि मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट कभी कभार मुंह का टेस्ट ठीक करने के लिए पिया जा सकता है। तो जी इधर भैया की दुकान पे चाय पी रहे थे, सुरेश टी स्टॉल, बढ़िया चाय पी है भैया ने, मैंने तो पी नहीं है, ये लोग रिव्यू दे रहे हैं, एक घुट छोड़ी है, अच्छी है ना, चाय की शक्ल से पता चल जाता है इसकी शक्ल अच्छी लग रही है, घर जैसी लग रही है, और कुल्हड़ का टेस्ट आ रहा है तो और अच्छी लग रही है। स्कॉर्पियो का क्रेज़ बहुत है इधर यू पी बिहार में, देख रहे हो 2 मिनट में 2 स्कॉर्पियो आके लग गई हमारे सामने, ये टोल टैक्स के जस्ट बाहर है। रामनगर था क्या था, लाला नगर वाला टोल है और उसके जस्ट बाद है भैया की दुकान, बाकी चखना उखना ले लिया रास्ते के लिए। फुल कर दिए, कैसे है 96-62, लमसम अंदाज कितना आएगा सर, आ जाना चाहिए 30 लीटर के करीब पेट्रोल डाल रहे हैं ना जी सर, हमें 5100 फीट कर दिए हैं, जो आएगा जाएगा, वैसे नहीं जाता क्या अपने आप, नो सर अपने आप नहीं चलेगा, मीटर देखिए सर, चलिए 0 पेट्रोल है सर, ठीक देखते हैं कितना आता है, एक बार अंदर तो रेंज 50-60 किलोमीटर दिखा रहा है। ठीक सर जी, कौन सा एरिया है ये, ये है कोखराज कौसाम्बी, कौसाम्बी प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज के अंदर है। चौतीस लीटर पे ऑटो कट लगा है, 34 लीटर आया है, ठीक है, बाल्टी ऊपर रखे 3291.84 लगभग 3300 रुपये का, ठीक नहीं 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 बस ऑटो कट ठीक है। तो जी ये कोई कौशाम्बी जगह है, महादेव पेट्रोल पंप पे यहाँ रुके थे पेट्रोल डलवाने के लिए, फुल करवा लिया है, अब दिल्ली चली जाएगी और थोड़ा बहुत बच भी जाना चाहिए,
क्योंकि फुल टैंक में ये 500 से 600 किलोमीटर चल रही है, डिपेंडिंग कि आप किस कंडीशन में और कैसे चला रहे हैं। तो अब दिल्ली चले जाएंगे, अभी तो टाइम आपका तो अभी 8 बज रहा है और 8 से 8 16 8-9 घंटे और लग जाएंगे। अभी थकान कुछ खास हुई नहीं है अभी, क्योंकि बीच में ब्रेक ले लिया था 1 घंटे का सोने वाला, 1.5 घंटे का, तो रिफ़्रेश फील हो रहा है। बस ये है कि चाय वाय बीच में मिलती रहेगी तो अच्छा लगेगा। वहाँ पे चाय पी ली थी हमने लास्ट जब आपको बताया था, अच्छी चाय थी। और अभी तो बढ़िया चल रहा है सारा मामला, एक बार रेंज वगैरह दिखा दूंगा जब अंदर जाऊंगा तो कितना अभी क्या क्या है ट्रिप का इन्फो। तो जी फुल करवाने के बाद रेंज अगेन 610 हो गया है, तो 610 अभी तक मैक्सिमम रेंज दिखाया है इसने, इससे ज़्यादा नहीं दिखाया है। और माइलेज की बात करें तो माइलेज दे रही है कितने का जी साहब, अभी गाड़ी खड़ी थी ना बहुत देर से, आ नहीं रहा है, थोड़ी देर बाद दिखा दूंगा। और जब से चले हैं कितना चल गए हैं, 302 किलोमीटर ही चले हैं अभी, तो बहुत ज़्यादा नहीं चले हैं। और ये ट्रिप है जो दिल्ली से अभी तक कितना चल गए हैं। यहाँ एक भैया की दुकान थी पेस्ट्री वगैरह, हमें लगा कि है, लेकिन ये था आलू पैटी और हुसैन की पनीर है, इसमें प्याज है, इसमें प्याज नहीं है। और थोड़ा बहुत पापा खाना भी खा लेंगे क्योंकि रुके हुए हैं, अब इसको खा लेते हैं क्योंकि भूख लगी और कुछ दिखानी ठीक ठाक। तो जी भैया की आलू पैटी और पनीर पैटी टोटली वर्थ है 20 और 30 रुपये में। एक और लेने जा रहा हूँ मैं, फतेहपुर के आसपास है ये दुकान, कहीं नाम पूछ के डाल दूँगा, आओ तो खा लेना। एक ही दुकान का नाम राज बेकरी है, साला हमारे वहाँ भी एक राज बेकरी वाला है जिससे हम वो खाते हैं बहन ब्राउनी, उसका नाम भी राज है। एक और ले आया मैं, खा लेता हूँ भूख लगाए, स्टिंग भी ले आया इसके लिए, स्टिंग बहुत पी रही है, मत पिया कर, बहुत चीनी होता है इसमें देखो। तो जी एक और टोल आ गया है अपना, अब फिर से फास्टैग लगाएंगे, पता नहीं कौन सा है, नाम तो लिखा नहीं है कहीं, ₹430 रेंज है, कितने आ गए, 490 किलोमीटर आ गए ऑलमोस्ट। अभी दिल्ली 402 किलोमीटर और दिखा रहा है, सुबह के 5:42 टाइम दिखा रहा है पहुंचने का। लेट्स सी गूगल मैप सही रहता है या थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं, मैं 90-95 ऐसे ही चला रहा हूँ। और अभी बीच में गाय भी आ रही थी तो थोड़ा सा देख संभल के चलाना पड़ता है कैटल से। और बढ़िया यार ओवरऑल अभी तक तो सारी चीज़ें, एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी कितना दिखा रहा है अभी, 15.4 ऑन एन एवरेज 14-15 का माइलेज दे रही है ये पूरे ट्रिप पे। और परफॉर्मेंस वगैरह भी बढ़िया है, सबसे अच्छी चीज़ मेरे को उसकी ये लग रही है कि गियर चेंजिंग कुछ खास पता चल नहीं रहा है, पहला दूसरा छोड़ दे तो, और वो भी आप एकदम जो गौर करेंगे तब पता चल रहा है, नहीं तो उतना वो भी पता नहीं चल रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये रास्ता है मेरे गांव वाला, ये लखनऊ होते हुए बोल रहा है जाने को, लेकिन वो टेढ़ा रास्ता है, सीधा रास्ता है बनारस प्रयागराज, उसके बाद कानपुर, फिर इटावा से ऊपर लखनऊ वाले पे चढ़ के आगरा और फिर दिल्ली, ये है 4-5 जगह से ऐसे है। ऐसे ही आए हैं हम, ऐसे ही जा भी रहे हैं। फ्यूल आप देख सकते हो कि 2-3 बार ख़त्म हो गया है, 3 बार ख़त्म हो गया है, और रेंज दिखा रहा है 390 किलोमीटर की। रोड अच्छे हैं, खाली खाली हैं, इधर रोड अच्छे हैं, अब दिल्ली तक रोड अच्छे हैं। जो दिक्कत है बनारस से बिहार की साइड ही दिक्कत है, और फिर इधर थोड़ा बहुत दिक्कत है बीच बीच में, कानपुर इलाहाबाद के आगे इधर सारे रोड अच्छे हैं। मैंने अभी 5 लीटर तेल और लिया है, रेंज थोड़ी सी बढ़ गई है 460, क्योंकि 300 कुछ रेंज आ रही थी और घर भी इतना ही था, तो मैंने कहा साला आगरा वाले पे अगर दिक्कत हो गई, वहाँ पंप भी नहीं है यमुना एक्सप्रेस वे पे और आगरा वाले पे, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो अब बेफिक्र हो गया घर पहुँच जाएंगे और तेल भी थोड़ा बहुत बच जाएगा, तो एकदम मार्जिन लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ जी एकदम 0-0 वाला हिसाब है। एंड्रॉयड ऑटो चला देते हैं, फ़ोन भी चार्ज नहीं है, थोड़ा फ़ोन भी चार्ज कर लेता हूँ। ये देखिए 380 घर दिखा रहा है अपना, और रेंज 460 है, इसका मतलब पेट्रोल बचेगा उसके बाद भी, ये है हिसाब। मथुरा रोड अपना ये जो जीटी रोड है ख़त्म हो गया, अब आगरा एक्सप्रेस वे पे, यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि गूगल मैप ऐसे ही दिखा रहा है कि ऐसे ही जाना है साहब आपको।
सीधा जाएंगे तो आगरा में चले जाएंगे। हमें जाना है दिल्ली नोएडा, हमने ले लिया लेफ्ट। तो घर आ गया था मैं 6:30 बजे करीब, और आगरा वाले यमुना एक्सप्रेसवे पे भी 1-1.5 घंटे के 1-2 ब्रेक लिए, क्योंकि नींद आ रही थी। सुबह के टाइम एकदम गंदी वाली नींद आती है अगर आप रात भर नहीं सो तो उसको टैकल करने के लिए एक पावर नैप लेना ज़रूरी था। और उसके बाद एनर्जी थी नहीं व्लॉगिंग करने की या वीडियो बनाने की, इसलिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ और बाकी बातें भी आगे ऐसे ही होंगी। तो देखिए, अब बात करते हैं मुद्दे की। सारी कैलकुलेशन करने के बाद टोल प्लस पेट्रोल प्राइजेस जितने भी मेरे लगे हैं वो बताता हूँ मैं आपको। एक्यूरेटली इतना याद नहीं है कितनी बार मैंने रिफ्यूल करवाया है, बट मोटा मोटी ये बता सकता हूँ कि दिल्ली से जाते वक्त 3 बार डलवाया है मैंने, और बीच में भी मैंने 2-3 बार डलवाया है, 2 बार डलवाया है, मतलब 2 टाइम्स पेट्रोल डलवाया है, और वापसी आते वक्त 3 बार डलवाया है, और गाड़ी रिटर्न करने से पहले 1 बार डलवाया है 5 लीटर डलवा कर। तो खैर, वो 5 लीटर अगर हम छोड़ दें तो जाना आना जो पेट्रोल लगा है वो लगा है 15,500 रुपये का, और उस 5 लीटर को ऐड करोगे तो 16,000 हो जाएंगे। तो 15 अराउंड 16,000 रुपये मान लो आप, थोड़ा मार्जिन लेकर चलें। तो इसमें मेरे को माइलेज इसने दिया है लोकल में 10 का, 9-10 ऐसे दे दी थी, क्योंकि हमेशा 5 लोग बैठ रहे थे गाड़ी में, 4 लोग बैठ रहे थे गाड़ी में, और जब आए गए तो लगेज भी था 4 लोगों का लगेज था, और वो ये कि वीकेंड ट्रिप थी तो 8 दिन का 7 दिन के कपड़े थे, और विंटर से तो भारी हो जाता है मामला लगेज वाला, और इस वजह से माइलेज थोड़ा मेरा एक्सपेक्टेड था 18-20 हाईवे पे, बट इसने मैक्सिमम 15-16 दिया है रियल वर्ल्ड में बात करें तो। और मैं टेस्ट नहीं कर पाया, थोड़ा सा दिमाग से भी हट गया, वरना मैं टैंक टू टैंक टेस्ट कर लेता, ज़्यादा मेहनत नहीं थी उसमें ये करने में, क्योंकि ऐसा तो मैंने उसके लिए कुछ अलग से करना था। और इसके अलावा टोल देखो लगा है मेरा, क्योंकि मैं फास्टैग बनवाया है जो पैसे उसमें लगे उसका भी ऐड कर रहा हूँ, 400 रुपये वो लगे हैं और 3,500 रुपये का टोल लगा है, तो 4,000 रुपये लगे हैं टोल में, 16,000 रुपये लगे हैं पेट्रोल में, 20,000 रुपये लगे हैं मेरा आना जाना खर्चा। अगर आप निसान मैग्नाइट से 2300 किलोमीटर की ट्रिप कर रहे हो तो 20,000 रुपये के अराउंड आपको पैसे लगने वाले हैं। तो ये तो हो गई ये वाली बात, बाकी गाड़ी की बात स्पेशली रिव्यू वाली बात अलग वीडियो में करेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना, जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। और इसका बेहतरीन रहा एक्सपीरियंस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी सारी बातें मैंने आपको बताई दी है, तो सब्सक्राइब वगैरह करके जाइएगा ऐसे और भी रिव्यूज़ देखने के लिए। थैंक यू।